गुरु बोले, अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि मुझे यहाँ कैसे लाया गया। धरती पर एक स्वर्ग रूपी स्थान है जिसे हेमकुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ वैसे तो सैकड़ों हैं, परंतु सात ऊंची पहाड़ियाँ बिल्कुल अलग हैं। सुबह का समय था, सूर्य की किरणें बर्फ की पहाड़ियों पर ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो सोना चमक रहा हो। इन सात पहाड़ियों के बीच में एक समतल मैदान था, वहीं पर एक झील बह रही थी। यह कुदरत की कृपा ही थी कि इतनी बर्फ में भी वह झील बह रही थी और बहती हुई नदी अलकनंदा में मिल रही थी। ऐसी सुहानी घाटी में एक सुबह एक लंबे व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके शरीर पर मुश्किल से ही मांस था, परंतु इसके बावजूद भी उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। उन्होंने भयंकर तप किया था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि परमात्मा ने उस दिव्य आत्मा को अपनी असीम कृपा कर अदृश्य दुनिया से इस संसार में किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है और वह यहाँ पर तप कर रहे हैं। उस तपी व्यक्ति का दिमाग परमात्मा के बारे में सोच रहा था। वह परमात्मा समय और स्थान से ऊपर है, वह जन्म और मृत्यु से ऊपर है। परमात्मा निजीव शक्ति नहीं अपितु सुप्रीम पावर है, वह परमानंद है। हम अपनी पंच शक्तियों से समझ नहीं सकते, उस परमात्मा को परमात्मा के सिवा कोई नहीं समझ सकता। वह सब कुछ जानता है, वह किसी नफरत और दोष से रहित है। ईश्वर प्रेम और उत्साह है, वह दिव्य आत्मा है। वह परमात्मा समय और स्थान से तो ऊपर है, परंतु जो भी कुछ समय और स्थान पर हो रहा है वह उस परमात्मा के ही कारण है। उस परमात्मा की कोई आँख नहीं है, परंतु देखे तो उसके पास अनगिनत आँखें हैं और इस संसार को देखने वाली आँखें भी उसी की देन है। यह सोचते सोचते उनके विचार में आया कि प्रभु की असीमित शक्तियों को सीमित शक्तियों वाला इंसान कैसे जान सकता है। प्रभु की शक्तियों और महिमा को सोचते हुए उन्हें ऐसा लगा मानो प्रभु उनसे कह रहे हों, तुम धरती पर जाओ और ऐसे मानव का निर्माण करो जिनकी आत्मा उच्च हो, एक चमकते हुए तारे के भांति लोगों का मार्गदर्शक बनो और उन्हें आदर्श मानव बनाओ। ऐसे आदर्श मानव बनाओ जिनकी आत्मा उच्च हो। मैंने बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी को सही मार्ग पर चलने के लिए बनाया था, जो कि अब अपना रास्ता भटक कर अपने स्थान से नीचे गिर चुके हैं। जाओ एक आदर्श मानव बनो और सभी को आदर्श पुरुष बनने की प्रेरणा दो। तुम उनको आदर्श मानव एक गुरु बनकर सही राह दिखाओ। जाओ और उन्हें शक्ति दो, पिता के समान स्नेह दो, ताकि धरती आराम का स्थान बन सके। परमात्मा की यह बात सुनकर उस तपी दिव्य आत्मा को थोड़ी घबराहट हुई। वह सोचने लगे, सदियों की भक्ति और तप करने के पश्चात परमात्मा का यह आदेश मिल रहा है कि धरती पर जाओ, कुछ कर्म करो, और कर्म भी क्या करो, आदर्श आदमी बनाओ। पहले भी बहुत से गए आदर्श मानव बनाने, पर बिना किसी कामयाबी के वापस आ गए, तो मैं कैसे इस कार्य में कामयाब हो जाऊंगा। परंतु प्रभु का हुक्म ना मानना भक्ति ना करने के समान है। सही यही होगा कि मैं अपने कार्य में कामयाबी प्रभु से अभी मांग लूं। तब तपी ने परमात्मा से कहा, मैं कौन होता हूँ आपका हुक्म दुनिया तक फैलाने के लिए, जब मैं धरती पर जाऊं और आप मुझे अपने आप में डुबोए रखें। सदियों तप कर मैंने आपके साथ एक संबंध बनाया है, अगर यह संबंध धरती पर जाने पर भी ना टूटे और मैं आपके ध्यान में मगन रहूं और आप मुझ पर प्यार बनाए रखें, तो यह तपी आपका हुक्म मानने को तैयार है। यह सुनकर परमात्मा की आवाज आई, मैं तुम्हारे अंदर हूँ
और तुम मेरे अंदर, हमारा यही मिलन लगातार बना रहेगा। यह मिलन हमेशा रहेगा और यह कभी नहीं टूटेगा। और मैं तुम्हारा सहारा बनकर इस संसार में रहूंगा। जिस तरह पिता अपने पुत्र को संभालता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम जो करोगे वह ऐसे ही होगा मानो उसे मैं ही कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपनी पवित्रता देता हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम मेरे पुत्र होगे और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। दोपहर हो चुकी थी। सूर्य के गर्म किरणें हेमकुंड साहिब की चोटियों पर पड़ रही थी। उस पवित्र आत्मा ने अपनी आंखें खोली। वह अद्भुत परमानंद और उत्साह महसूस कर रहे थे। तभी उन्हें परमात्मा की आवाज गूंजने लगी। असल में वह पवित्र आत्मा तो परमात्मा में मिलकर हमेशा उसमें समा जाना चाहती थी, परंतु प्रभु का हुक्म तो उन्हें हेमकुंड छोड़ने को नहीं बल्कि धरती पर जाने के लिए था। धरती पर जाकर एक मुश्किल कार्य करना था, आदर्श इंसान बनाना या ऐसा इंसान जो मानवता को सहारा दे सके। उस महान आत्मा ने सोचा, आओ देखते हैं धरती पर क्या है और मुझे कहाँ जाना है। उस महात्मा ने अपनी दिव्य आँखों से देखा और पाया, नीचे हिंदुस्तान है। औरंगजेब सिंहासन पर बैठा है। लोग हिंदू और मुस्लिम धर्म मानने वाले हैं। उनकी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग जातियाँ हैं और अलग अलग विश्वास है। सभी और अंधेरा है, लोग अनपढ़ हैं। हिंदू डरकर अंधविश्वासी और कायरता का जीवन जी रहे हैं। दूसरी ओर मुसलमान गर्व पाखंड अपराध और क्रूरता में जी रहे हैं। पंडितों और अन्य धर्म गुरुओं में वाद विवाद चल रहे हैं। अलग अलग पंचों के लोगों के बीच में कलह है। लोग कमजोर हैं और उनमें साहस नहीं है। पूरी मानव जाति पीड़ित है। तभी वे देखते हैं औरंगजेब अपने दरबार में बैठा है। उसने अपने पिता को जेल में डाल रखा है। उसके बड़े भाई का कटा हुआ मिट्टी में सना सिर उसके सामने पेश किया गया। शहंशाह की जय हो, आपके आदेश का पालन हुआ। आपके बड़े भाई दारा का कटा हुआ सर यह रहा। परंतु इसका मुंह तो पूरी तरह से खून और मिट्टी से सना है। हम कैसे विश्वास करें कि वाकई में ही दारा की मृत्यु हो चुकी है। पानी से इस कटे हुए सिर को धोया जाए। हाँ सही है, मैंने अपने रास्ते का बड़ा काटा हटा दिया। वह पवित्र आत्मा यह सब देख हैरान थी और सोच रही थी, हे परमात्मा, एक ही पिता के पुत्र जो साथ खेले साथ बड़े हुए, ये कैसे? हे परमात्मा, एक भाई ने दूसरे भाई का खून कर दिया। एक भाई को राज सिंहासन मिला और दूसरे का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। भाई के प्रेम से बढ़कर गद्दी का प्रेम। औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। परमात्मा को अपनी जीत का धन्यवाद कहने के लिए मस्जिद को बनवाया। वह जीत जो उसने अपने भाइयों का सिर काट कर प्राप्त की थी।